बगावत के नसीरपुर गांव में चंपललाल नाम के युवक ने अपने ही जीजा मांगीलाल की गर्दन पर उस तरह चला दिया जिसमें मांगीलाल गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल मांगीलाल ने बताया कि मैंने और मेरे साले ने पहले शराब पी, इसके बाद मेरा साला चंपललाल निवासी शंकरपुरा मेरी दाढ़ी बनाने लगा और दाढ़ी बनाने के दौरान ही चंपललाल ने मेरी गर्दन पर उस तरह चला दिया। जानकारी मिलते ही युकावत पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को मकसूदनगढ़ स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया जहां डॉक्टरों ने मांगीलाल की गंभीर हालत को देखते हुए मांगीलाल को 108 एम्बुलेंस की मदद से मकसूदनगढ़ से गुना रेफर कर दिया। युकावत पुलिस सहित मकसूदनगढ़ थाना प्रभारी विनय कुमार शर्मा खुद मामले की जाँच करने में लग गए हैं। दाढ़ी मेरे सारो ये हो हाँ मैंने वो लीटर पीवा दे हाँ आज लीटर पी हाँ हाँ आदि मैन पी ली आदि वाने पी हाँ तो एक दुकान पे बैठ के नहीं दाढ़ी का जगह वहाँ जगह नहीं मिली हाँ तो जीजा जी मैं बना दो हाँ तो दाढ़ी पूरी बना दी उसने मेरी और बना एक बार में मन के जीजा जी बाहर रह गए बाहर और मेरी बाहर नहीं काटे करने काटे और ना मेरे सुधो इस तरह करता काट दिया वो बस इतनी भी वो कहीं कह रहा काटे ही नहीं मर जाते क्या नाम है उसका चंपालाल शंकरलाल बाप है। अच्छा कौन सी रेवारो शंकरपुरा में रेवे कोई लड़ाई बढ़ाई ठीक है उससे लड़ाई बढ़ाई तो नहीं थी कभी कभी नहीं। मकसूदनगढ़ से ग्राउंड रिपोर्टर टोनी शाह की रिपोर्ट।